जो भी कथा आप लोग सुनते हैं यहाँ से जाने के बाद में बातें करो तो केवल कथा के बारे में बात करो। कुछ लोग तो 3 घंटे चलो घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, गर्मी का समय है, पंडाल में जाते तो बढ़िया सुविधा भी है, अच्छे से बैठेंगे, टाइम पास करेंगे, इस भाव से भी आते हैं। लेकिन केवल आप टाइम पास करने के लिए पंडाल में आते हो तो आपका आना व्यर्थ है। यहाँ आए हो तो अपने जीवन के लिए कुछ अच्छा लेकर के जाइए। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो जो कथा सुने हैं ना, इसका चिंतन करिए। कुछ लोग तो पंडाल से बाहर निकलने के बाद चर्चा तो करते हैं, लेकिन कैसी बातें करते हैं। आज हम कथा में गए, उसने ऐसा साड़ी पहना था, उसके पास में ऐसा ज्वेलरी था, ये वो चर्चा करेंगे। कुछ लोग तो यही भी बोलेंगे कथावाचक कैसी लग रही थी, कैसी बोल रही थी, ये चर्चा करेंगे। लेकिन कुछ लोग वास्तविक भगवान की कथा की चर्चा करते हैं, उसी का जीवन धन्य है जो भगवान की कथा का चर्चा करता है। अगर आप परिवार के साथ बैठ करके आज की कथा को एक बार, कौन सी कथा आपने सुनी और कौन से कथा से क्या ज्ञान मिला, ऐसी चर्चा अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आपका जीवन भी धुंधुकारी के समान सुधर जाएगा। प्यार से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो ना। इसलिए कभी भी सत्संग में आप जाएं, साधु संतों के पास में बैठें, आपको बहुत कम टाइम मिलता है, साधु संतों के पास में जाकर के घंटों तक आप नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा समय मिलता है और उस थोड़े से समय को आप ऐसे सदुपयोग करिए, भगवान से कैसे जुड़ना चाहिए ये आप पूछ सकते हैं, भगवान की चर्चा करो। आपको जो ज्ञान नहीं है उसके बारे में आप पूछें, लेकिन संतों से भी मिलते हैं तो संसार के लोगों को केवल अपनी घर की कहानी सुनाएंगे, और फोन पर भी कभी कभी बात हो पाया तो बस बहू ने ऐसा किया, बेटा ने ऐसा बोला, दुनिया के प्रपंच सुनाएंगे। और कई लोग तो संतों से पूछेंगे कि महाराज आपका आश्रम कहाँ बना और घर में कौन कौन है, आप पहले क्या करते थे, कब से कथा कर रहे हैं, और बताइए अपनी बारी में बताइए आपके कितने भाई बहन हैं। ये सब जो फालतू के बातें हैं, अब बताइए ये सब सवाल से आपको कुछ फायदा हुआ, उनके जीवन के बारे में जान के क्या कर लोगे। इसलिए जानना है तो केवल भगवान के बारे में पूछिए, जो आपको ज्ञान नहीं है उसके बारे में पूछो, कैसे भजन करना चाहिए, कैसे भगवान की भक्ति करें, कैसे प्रभु की सेवा करें, ये सवाल अगर आप करते हैं तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। और जो 2 पल आपको मिला वही 2 पल में आप अपने जीवन को सुधारने की कला ज्ञान सीख करके आ पाओगे। प्यार से बोल दीजिए ना।